तो पुलवामा आतंकी हमला और पाकिस्तान के बालकोट में वायुसेना की एयर स्ट्राइक और मारे गए आतंकियों पर विवादित बयानों से चौतरफा घिरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि ईश्वर से उनकी ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। जालम सिंह ने के मुताबिक प्रदेश भर में दिग्विजय सिंह को बंटाधार के नाम से जाना जाता है और चर्चाओं में बने रहने के लिए जानबूझकर विवादित बयान देते रहते हैं, पर सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करना देश हित में नहीं है। सेना और मोदी का संकल्प है कि आतंकी का सफाया हो। आज सारा विश्व आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के बयान सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं जो निंदनीय है। आतंकी की गोली में भाजपा या कांग्रेस का नाम नहीं लिखा होता है, अतः आतंकियों की पैरवी करने वाला राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता।